फिर एक नई वीडियो के साथ दोस्तों, आज हम राजस्थान की कल्चर, राजस्थान की कला संस्कृति में से पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख त्योहार एवं प्रमुख तिथियां। दोस्तों, अब तक आपने मेरे सभी रीजनिंग के टॉपिक देखे, आज से देखेंगे आप राजस्थान जीके के, और राजस्थान जीके एक नए ट्रिक्स के साथ जिसमें राजस्थान की कल्चर पूरी की पूरी कराऊंगा मैं। तो देखिए किस प्रकार से राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सबसे पहले हम कला संस्कृति की बेसिक देखते हैं कि जो हमारे त्योहार है जो कहाँ से प्रारंभ होते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम ग्रीगेरियन कैलेंडर। दोस्तों, ये ग्रीगेरियन जो कैलेंडर है, वैसे मैं इसको कैलेंडर वाले टॉपिक में अच्छी तरह पढ़ा चुका हूँ, फिर भी एक बार देख लो। ग्रीगेरियन जो कैलेंडर होता है, ये जो अंग्रेजी कैलेंडर होता है वो कैलेंडर है। आजकल सबसे ज्यादा चलने वाला फेमस कैलेंडर है वो है ग्रीगेरियन कैलेंडर, जिसका प्रथम दिन 1 जनवरी और अंतिम दिन 31 दिसंबर होता है। दोस्तों, ये होता है हमारा ग्रीगेरियन कैलेंडर सबसे ज्यादा प्रचलित होता है। इसके बाद में पढ़ेंगे हम शक संवत, और शक संवत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। संवत की शुरुआत कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में हुई। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में हुई। यह ईसवी सन से 78 वर्ष पीछे होता है। दोस्तों, जैसे अभी हमारी ईसवी सन चल रहा है 2018, और माइनस 78 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ये 1940। ये हो जाएगा हमारा शक संवत है ना। शक संवत की शुरुआत 22 मार्च 1957 से हुई थी। इसकी शुरुआत की थी 22 मार्च 1957। शक संवत को 22 मार्च 1957 से प्रारंभ किया गया है। इसको कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में चालू किया गया था। ईसवी सन से 78 वर्ष पीछे होता है। अब वर्तमान जो हमारा शक संवत चल रहा है वो 1940 में चल रहा है, और वर्तमान ईसवी सन चल रहा है हमारा 2018। जो हमारा ये शक संवत है, इसको राष्ट्रीय संवत घोषित किया गया था 22 मार्च 1957 को, और इसकी स्थापना की बात करें तो 78वीं ईसवी में ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा प्रारंभ किया गया था। दोस्तों, पढ़ेंगे विक्रमी संवत की जो शुरुआत हुई थी, शुरुआत उज्जैनी के शासक विक्रमादित्य द्वारा ये 57 ईस्वी में, अर्थात यह ईस्वी सन से 57 वर्ष आगे रहता है। वर्तमान ईस्वी सन हमारा 2018 और प्लस 57, अर्थात 2075। जो वर्तमान में हमारा विक्रमी संवत चल रहा है वो है 2075। दोस्तों, ये तो थोड़ी सी इसकी बेसिक हुई। बेसिक के अलावा में अब देखते हैं हम कि जो त्योहार होते हैं, सबसे पहले तो हमें इसमें
त्योहारों के बारे में जानना है, फिर उसके बाद में तिथियों के बारे में जानना है। और तिथियों एवं त्योहारों के जानने से पहले सबसे पहले हमें जो हमारे महीने होते हैं महीनों के नाम याद करने हैं। और महीनों के नाम मैं लिख रहा हूँ, आप देख लीजिए। सबसे पहले तो हम हिंदी महीनों के बारे में जान लेते हैं कि हिंदी महीनों की शुरुआत चैत्र से होती है और अंतिम होता है फाल्गुन। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, अषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघशीष, पौष, माघ और फाल्गुन, ये हमारे हिंदी महीने 12 के 12 होते हैं, जिनमें अंग्रेजी महीने में चैत्र के महीने में अप्रैल आता है, वैशाख, मई, ज्येष्ठ, जून, ऐसे ही आगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ये हमें याद कर लेने हैं कि चैत्र का जो महीना होता है उसकी जो शुरुआत होती है और इधर अप्रैल के महीने के लमसम चलता है। अब दोस्तों जो हमारे महीने होते हैं महीनों के अकॉर्डिंग, महीनों के जो हिंदी महीने होते हैं, ये जो हिंदी महीने हैं इनमें दो पक्ष होते हैं और दो पक्षों में ये दो पक्ष हैं। पहला होता है कृष्ण पक्ष और दूसरा होता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, पहला जो हमारा कृष्ण पक्ष है ये प्रतिपदा से स्टार्ट होता है, यानी एकम से स्टार्ट होकर 15 दिन तक चलता है और 15 दिन वाली होती है अमावस्या। कृष्ण का यानी काली रातें आती है जो पहले महीने में आती है, पहले महीने के पहले पखवाड़े में, पहले पक्ष में जो प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक होती है। ऐसे ही शुक्ल पक्ष की बात करें तो शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर ये पूर्णिमा तक होती है और इस प्रकार एक पूरा माह बन जाता है। महीने में दो पक्ष होते हैं, एक तो होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। पहले पक्ष में 15 दिन होते हैं, 15 दिन में प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक, और दूसरा होता है शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम श्रावण मास, यानी सावन के महीने में हमारे यहाँ कौन कौन से त्योहार किन किन तिथियों को मनाए जाते हैं। सबसे पहले कृष्ण पक्ष में पढ़ेंगे, उसके बाद में शुक्ल पक्ष में पढ़ेंगे। कृष्ण पक्ष में होता है नाग पंचमी। नाग पंचमी कृष्ण पक्ष में, कृष्ण पक्ष के प्रथम माह में और प्रथम पक्ष में पंचमी के दिन जो त्योहार मनाया जाता है वो है नाग पंचमी। और नाग पंचमी के दिन नाग को दूध में नहलाया जाता है, ना कि नाग को दूध पिलाया जाता है, और सपेरों को दान दिया जाता है। निडरी नवमी, निडरी नवमी महत्वपूर्ण है, पिछली बार राजस्थान पुलिस में पूछा जा चुका है। जो निडरी नवमी है वो कृष्ण पक्ष में नवमी के दिन मनाई जाती है और इस दिन नेवलों की पूजा की जाती है। उसके बाद हरियाली अमावस्या, अमावस्या के दिन मनाते हैं। फिर आते हैं शुक्ल पक्ष में, और शुक्ल पक्ष में छोटी तीज, छोटी तीज की बात करें तो तीज का त्योहार शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, और शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो त्योहार मनाया जाता है वो है छोटी तीज। छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है, तीज का त्योहार जयपुर में मनाया जाता है और नव वाय जोड़े चढ़ाए जाते हैं इस दिन। उसके बाद में है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और इस दिन नारियल पूजा की जाती है, नारियल पूजा की जाती है, और बहनें अपने भाइयों के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती हैं, और ये त्योहार मनाया जाता है श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के। भाद्रपद माह में सबसे पहले पढ़ेंगे हम कजली तीज। कजली तीज का जो त्योहार है वो कृष्ण पक्ष में तृतीया को मनाया जाता है। कजली तीज इसे ही बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज के नाम से जाना जाता है, जो बूंदी की प्रसिद्ध है। उसके बाद में है दोस्तों हल षष्ठी। हल षष्ठी भाद्र कृष्ण षष्ठी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्मदिन के रूप में मनाते हैं हल षष्ठी को, और इस दिन हल की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है हमारा कृष्ण जन्माष्टमी, यानी जन्माष्टमी भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन मनाई जाती है, और इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है। उसके बाद में है गोगा नवमी। गोगा नवमी, ये गोगा नवमी का त्योहार नोहर हनुमानगढ़ में भाद्र कृष्ण नवमी के दिन मनाया जाता है। उसके बाद में है बछवारस। बछवारस के दिन महिलाएं अपने पुत्रों के लिए तो उपवास रखती हैं और इस दिन बछड़े की पूजा की जाती है। दोस्तों इसके बाद में शुक्ल पक्ष की बात करें, शुक्ल पक्ष में सबसे पहले हरिताल का तृतीया, ये हरिताल का है इस दिन, और उसके बाद में है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना की जाती है, और गणेश चतुर्थी में जो गणेश जी की जो त्योहार है वो सबसे प्रसिद्ध है सवाई माधोपुर का, इसको त्रिनेत्र गणेश भी कहते हैं। इसके बाद में है ऋषि पंचमी, और फिर है राधाष्टमी। राधाष्टमी के दिन
ये राधा के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। फिर है जल झूलनी एकादशी, जल झूलनी एकादशी के बाद में अनंत चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। फिर उसके बाद में श्राद्ध पक्ष स्टार्ट हो जाता है और श्राद्ध पक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। ये हो जाएंगे हमारे भाद्रपद माह के पूरे त्योहार। कृष्ण पक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता, श्राद्ध पक्ष चलते 1 से 15 दिन तक, अमावस्या के दिन तक। उसके बाद में शुक्ल पक्ष में जैसे आते हैं, शुक्ल पक्ष एकम यानी प्रतिपदा से लेकर नवमी तक नवरात्रा चलते हैं और नवरात्राओं में फिर उसके बाद में अष्टमी के दिन चैत्र शुक्ल सॉरी अश्विन शुक्ल अष्टमी के दिन जो अष्टमी आती है वो दुर्गाष्टमी होती है। उसके बाद में दशहरा, दशहरा दशमी के दिन मनाया जाता है। दोस्तों दशहरे के बाद में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, दशहरे के दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। खेजड़ी वृक्ष और खेजड़ी वृक्ष जैसे जो राजस्थान का राजकीय वृक्ष है, राजकीय वृक्ष और राजकीय वृक्ष, अगर इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो प्रासोपिस सिनेरेरिया खेजड़ी वृक्ष, इसको समी जाटी आदि नामों से जाना जाता है। और इस दिन हथियारों की पूजा भी की जाती है, हथियारों की पूजा की जाती है, हथियारों की पूजा की जाती है दशहरे के दिन। और दशहरे के दिन हमारे भरतपुर में जो जसवंत प्रदर्शनी है, नुमाइश का मेला लगता है। और इस दिन ही जो दशहरा प्रसिद्ध है, मूल रूप से दशहरा कोटा का प्रसिद्ध है राजस्थान में। यदि भारत के संदर्भ में बात करें तो मैसूर, और मैसूर है कर्नाटका में, कर्नाटक का प्रसिद्ध है। ये बात करते हैं हम दशहरे के बारे में। उसके बाद में आती है हमारी शरद पूर्णिमा, और शरद पूर्णिमा फिर आगे कार्तिक मास, और कार्तिक मास में सबसे पहले कृष्ण पक्ष में पढ़ेंगे हम करवा चौथ। करवा चौथ जो होती है, करवा चौथ के दिन स्त्रियां अपने पति के लिए एक व्रत रखती हैं, वो है करवा चौथ। उसके बाद में आती है अहोई अष्टमी और तुलसी एकादशी। तुलसी एकादशी कार्तिक कृष्ण पक्ष की 11 को मनाई जाती है और इस दिन तुलसी की पूजा की जाती है। उसके बाद में है धनतेरस, और धनतेरस के दिन कोई भी सामान खरीदना शुभ माना जाता है। उसके बाद में रूप चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी को छोटी दीपावली के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद में दीपावली, ये अमावस्या के दिन मनाई जाती है। कार्तिक अमावस्या के दिन जो त्योहार मनाया जाता है वो है दीपावली। और दीपावली के बाद में एक दिन बाद शुक्ल पक्ष जैसे ही प्रारंभ होता है, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन यानी एकम के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। और गोवर्धन पूजा की जाती है उसके बाद में भैया दूज, भैया दूज में ये गोवर्धन के एक दिन बाद की जाती है। उसके बाद में गोपाष्टमी, फिर उसके बाद में आती है आंवला नवमी, और फिर देव उठनी एकादशी। ऐसा माना जाता है कि देवता अपनी नींद से जागृत होते हैं इस दिन, और शादी विवाह का कार्यक्रम फिर से चालू किया जाता है। वो देवाष्टमी यानी कार्तिक शुक्ल माह की एकादशी से यह कार्य प्रारंभ होता है। और उसके बाद में यदि बात करें कि कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन कोलायत, और कोलायत है बीकानेर में, बीकानेर, और इस दिन कपिल मुनि का मेला लगता है, कपिल मुनि का मेला लगता है कोलायत बीकानेर में। और एक है पुष्कर, पुष्कर है अजमेर में है, और इस दिन इसमें भी मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। दोस्तों ये हुआ हमारा कार्तिक मास, और इसके बाद में फिर देखते हैं। अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। इससे आगे की जो वीडियो है वो मैं अगले दिन फिर सेंड कर रहा हूँ। जब तक के लिए गुड बाय।